अधिकार देने की प्रतिबद्धता भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सदैव दिखाई है। अभी हाल में आपने देखा है कि 33% रिजर्वेशन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा बच्चियों, माताओं और बहनों की आकांक्षाओं को उन्मुक्त उड़ान का अवसर देश की संसद ने दिया है। एक छोटी कहानी है, टीचर्स से मेरा निवेदन है, ये संकल्प लें क्योंकि आज का पवित्र दिन एक ऐसी महान आत्मा के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। मैं समझता हूँ उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सिर्फ हम सिलेबस पूरा करने के लिए स्कूल नहीं आएंगे, बल्कि बच्चों में क्यूरियासिटी और क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप हो, कैसे इग्नाइट की जा सके, इसकी हम हर कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स बड़े सपने तभी देखेंगे जब उनके भीतर जिज्ञासा पैदा होगी, वो टीचर्स के अलावा दूसरा कोई पैदा नहीं कर सकता। उदासीनता रही। विनय जी ने मुझे बताया था कि पाठशाला को एक समय के बाद को एजुकेशन स्कूल में परिवर्तित किया गया। आज हमारी बच्चियां शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रच रही हैं और शिक्षा के माध्यम से इनोवेशन हो, इन्वेंशन हो या एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां जम्मू कश्मीर की बच्चियां हासिल कर रही हैं। मैं निजी तौर पर कह सकता हूँ कि जिन अनेक विश्वविद्यालयों के कन्वोकेशन में दीक्षांत समारोह मैं जाता हूँ, लंबी गुलामी के बाद जो सबसे बड़ी कठिनाई देश को हुई, हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस शिक्षण संस्थाएं थी उनको लोगों ने बर्बाद किया। और मैं एक बात कहना चाहूँ, अगर भारत सोने की चिड़िया था तो इस कारण नहीं था कि भारत के पास गोल्ड माइंस थी, सोने की खदान भारत के पास बहुत नहीं थी, लेकिन ये जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो शिक्षण संस्थाएं हमारी वहाँ दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा, चाहे वो तक्षशिला हो, नालंदा हो, विक्रमशिला, ऐसे सैकड़ों संस्थान जहाँ सबसे अच्छी शिक्षा दी जाती थी, रिसर्च इनोवेशन का काम दुनिया के विकसित देश जो आज कहे जा रहे उनसे काफ़ी बेहतर यहाँ हुआ। जो प्रोडक्ट हमारे देश में बनते थे वो दुनिया के किसी देश से बेहतर बनते थे। मैं केवल एक दो बातों का जिक्र करूँगा। इतिहास की एक घटना